हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BHU पाठशाला नेहा दिस साइड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पर्टिकुलर BSc कोर्स के बारे में। यस, BSc आपका एक UG कोर्स है। और देखिए, जो BSc आपका है तो यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BSc आपको प्रोग्राम देखने को मिलता है। BSc ऑनर्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं है। BSc यहाँ पर आप BSc बायो, BSc मैथ्स और BSc होम साइंस स्ट्रीम से कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, BSc में एडमिशन लेने के लिए अगर आपको BSc बायो चाहिए तो आपका 12th में साइंस में बायो होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और आपका बायो का कॉम्बिनेशन होना चाहिए साइंस में। अगर आपको BSc मैथ्स लेना है तो 12th में आपका मैथ्स कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी कि साइंस मैथ्स यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आपका मैथ्स कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। BSc होम साइंस भी इसी तरह आपका साइंस होना चाहिए 12th में। तो 12th आप पास आउट हैं और इस स्ट्रीम से। ओके, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो आपका BSc में एडमिशन होता है वो कैसे होता है। तो देखिए, यूनिवर्सिटी में BSc कोर्स के लिए एडमिशन लेने के लिए आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। CUET के थ्रू आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BSc कोर्स में एडमिशन होता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं टोटल कितनी सीट्स हैं BSc कोर्स के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। देखिए, टोटल BSc के लिए आपकी 1157 सीट्स हैं, जिसमें से BSc बायो में आपकी 367 सीट्स हैं, BSc मैथ्स में 732 सीट्स हैं, BSc होम साइंस में 58 सीट्स हैं। टोटल 1157 सीट्स हैं BSc कोर्स के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। ओके, अब देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुछ कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, जिसमें से आपका जो है 4 कॉलेज ऐसा है जो कि BSc कोर्स को ऑफर करता है, जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं यदि आपका मेन कैंपस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BSc में एडमिशन नहीं होता है तो। जिसमें से आपका फर्स्ट कॉलेज है ADC इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, CMP डिग्री कॉलेज, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज और SS खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज। ये 4 ऐसे कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं जो कि आपके BSc कोर्स को ऑफर करते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं ये। ओके, उसके बाद हम देख इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BSc कोर्स के लिए आपकी फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए, अभी आपको पता है कि आपकी फ़ी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बढ़ी हुई है और उसको लेकर के प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। तो मैं यहाँ पे पुरानी फ़ीस और नई फ़ीस आपकी कितनी लगेगी अगर आपका प्रोटेस्ट सक्सेसफुल नहीं होता है, यानी कि अगर फ़ी आपकी बढ़ जाती है तो आपका फ़ी कितना लगेगा। तो देखिए, जो पुरानी फ़ीस है BSc की वो आपकी 1125 रुपये लगती थी। ओके, और जो आपकी नई फ़ीस है यानी कि बढ़ने के बाद आपकी जो नई फ़ीस लगने वाली है वो आपकी हो जाएगी 4100 से 4200 के बीच में। ओके, तो आपकी जो नई फीस है वो 4100 से 4200 के बीच में लगेगी, लेकिन अभी प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है फी हाइक को लेकर के। ओके, तो फी के लिए जो भी अपडेट्स आती है, फर्दर अपडेट्स, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, चेंजेस आते रहते हैं। ओके, तो आप अपडेट्स पर ध्यान दीजिए। ओके, कह दिया गया, डैट मीन्स डजन मीन कि ये सब एकदम फाइनल हो गया, क्योंकि चेंजेस आते रहते हैं। फर्दर जो भी अपडेट होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस कौन कौन से ऑफर करता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी BSc के लिए। तो देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है BSc बायो के लिए आपको टोटल 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफर करता है, जिनमें से आप किसी में भी एक एडमिशन ले सकते हैं। BSc मैथ्स के लिए ये टोटल आपको 7 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस ऑफर करता है, जिनमें आप किसी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ओके, तो देखिए, टोटल आपके BSc मैथ्स में 8 सब्जेक्ट्स हैं जिनको मिला करके आपके 7 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, और BSc बायो में आपके टोटल ये 6 सब्जेक्ट्स आपको ऑफर करता है, जिसको मिला करके आपके टोटल 5 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। कॉम्बिनेशन आपको स्क्रीन पर दिख रही है। ओके, तो यही आपके कॉम्बिनेशंस रहते हैं। प्रोस्पेक्टस में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। प्रोस्पेक्टस के लिंक आपको कहाँ मिलेगी, वो PDF अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो ये थी आपकी पूरी डिटेल BSc के बारे में। अब BSc का जो कट ऑफ हम एनालिसिस कर रहे हैं वो आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे जल्दी से जल्दी। आपका जो मार्क्स है वो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए। ओके, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, एंड फर्दर जो भी आपको वीडियोज चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट।